सभी भाइयों और बहनों को मेरी राम राम। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी हरियाणा पर, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा के स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हरियाणा उदय के बारे में। हरियाणा उदय या हरियाणा का गठन भी आप कह सकते हैं। तो हरियाणा गठन की बात की जाए तो शुरुआत हम करेंगे 1858 से, क्योंकि 1858 के जस्ट पहले 1857 में क्रांति हुई थी, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो 1857 की क्रांति और हरियाणा का क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो वहाँ पर हरियाणा के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और बहुत हिम्मत और बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया, उन्हें बहुत सी जगहों पर खदेड़ा भी। तो इसलिए अंग्रेज़ों को लगा कि हरियाणा के जो लोग हैं इनकी शक्ति को कुछ कम किया जाए तो सही रहेगा। तो उनकी शक्ति को कम करने के लिए उन्हें लगा कि उन्हें तोड़ना चाहिए, उनके टुकड़े करने चाहिए, इंसानों के नहीं, उनके जगहों के हिसाब से उन लोगों को अलग अलग कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 1857 तक हरियाणा जो है वो यूपी का पार्ट था। तो उन्होंने यूपी से क्या किया, हरियाणा को अलग किया और मिला दिया कहाँ, पंजाब में। ये किया उन्होंने 1858 में, क्रांति के जस्ट बाद। तो 1858 में हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा बना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हम तो हमेशा से पंजाब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, पंजाब का हिस्सा था हरियाणा, पंजाब से अलग करके बना है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर भी पूछ लिया जाता है कि पंजाब से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था। तो 1858 से पहले हरियाणा जो है वो यूपी का हिस्सा था, और 1858 में उसे पंजाब से मिला दिया गया, अलग करके यूपी से। तो अब मिला दिया पंजाब में, उसके बाद फिर भी हरियाणा को अलग करने की डिमांड चलती रही। इसके बाद आया 1925 में सबसे पहले एक अलग हरियाणा की डिमांड की, एक अलग हरियाणा बनाने की फरमाइश की गई। किसके द्वारा, पीरजादा मोहम्मद के द्वारा, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन कौन थे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक स्वागत समिति थी, उस समिति के हेड थे पीरजादा मोहम्मद। इन्होंने भी कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया जाए। इनको सपोर्ट किया इनकी बात को 1928 में मिस्टर जेफरी। साथ ही साथ 1932 में दीनबंधु गुप्त ने भी इनकी बात को खुला समर्थन दिया कि पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया जाए। यही सिलसिला चलता रहा। इसके चलते 1 अक्टूबर 1949, बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, 1 अक्टूबर 1949 को एक सच्चर फॉर्मूला करके फॉर्मूला बना। सच्चर फॉर्मूला क्या था कि किसी भी क्षेत्र को भाषा के आधार पर और क्षेत्रों में बांट दिया जाए। जैसा कि पंजाब के बारे में बात चल रही थी कि पंजाब से हरियाणा को अलग किया जाए, तो किस आधार पर किया जाए, तो वो एक आधार देने का काम किया सच्चर फॉर्मूला ने। सच्चर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी के लोग हैं, तो हिंदी भाषी लोगों के लिए एक क्षेत्र बना दिया जाए, हिंदी भाषी के लिए हिंदी क्षेत्र और पंजाबी भाषी के लिए पंजाबी क्षेत्र बना दिया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हिंदी भाषा वाले थे एक तरफ हो जाएंगे तो उनको पंजाबी क्षेत्र से प्रॉब्लम नहीं होगी, पंजाबी क्षेत्र को हिंदी से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ कहने के लिए उस टाइम पर बना था, लागू नहीं किया गया था उसे। तो 1949 के बाद क्या हुआ, 1953 में फैज़ल अली आयोग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करें तो फैज़ल अली आयोग सरकार द्वारा ही एक आयोग बनाया गया था, राज्यों के गठन के लिए ही बेसिकली इसको बनाया गया था। क्योंकि जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के हिसाब से बांटा था। तो किसी जगह पर उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अलग से रीजन बना दिया, किसी जगह पर उन्होंने अपना प्रशासन करने के लिए,
तो किसी जगह पर अपनी यातायात की सुविधा के लिए, तो उन्होंने उसके हिसाब से पूरे भारत को बांटा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आज़ादी की तरफ बढ़ने लगे तो वो चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी कि शासन करना आगे आने वाले समय में भारत की सरकार के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे उस चीज़ को बदलने की कोशिश की गई, जिसके लिए एक फैज़ल अली आयोग बना 1953 में, जो पूरे देश में घूमकर ये देखे कि किस हिसाब से, किन ज़रूरतों के हिसाब से राज्यों का पुनर्निर्माण किया जाए। तो फैज़ल अली आयोग से पहले एक बार भाषा के आधार पर भी पूरे भारत में ही बंटवारा किया गया जगहों का, कि इस भाषा के लोगों के लिए एक ये राज्य बना दिया जाए, इससे अलग यहाँ पर भाषा बदल जाती है तो यहाँ पर एक राज्य बना दिया जाए। लेकिन भाषा के आधार पर राज्य बनाना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि भाषा के आधार पर अगर हम बना रहे हैं तो हमारी जो नेशनल यूनिटी है, भारतीय अखंडता है, वो हम कायम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को नकारते हुए फैज़ल अली आयोग को कहा गया कि आप कुछ और स्ट्रॉन्ग रीजंस ढूंढिए, कुछ और पॉइंट्स ढूंढिए कि इस आधार पर हम भाषा के अलावा भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन कर सकें। तो फैज़ल अली आयोग 1953 में आया और 1955 में फैज़ल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। पूछा जाए फैज़ल अली आयोग देश में कब आया, तो 1953 में, रिपोर्ट कब दी 1955 में। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि फैज़ल अली आयोग हरियाणा में कब आया। फैज़ल अली आयोग हमारे हरियाणा में भी आया था और वो आया था 1955 में। और पूछा जाए सबसे पहले हरियाणा में कहाँ आया, तो सबसे पहले हरियाणा में कहाँ आया, रोहतक जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं कि फैज़ल अली आयोग हरियाणा में कहाँ आया, हरियाणा में कब आया, इन चीज़ों को लेकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हरियाणा में 1955 में आया और 1955 में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में जो राज्यों का गठन हुआ, तो उस रिपोर्ट में हरियाणा, सॉरी, भारत में कुल 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन इन राज्यों में कहीं भी हरियाणा का नाम नहीं था। ये बात तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, इतना तो आपने पढ़ा भी होगा। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो ऑब्वियस सी बात है 1955 में नहीं बना होगा। तो 1955 की रिपोर्ट की बात हो गई। उसके बाद 1956-57 में हमारे पंजाब के सीएम जो रहे, पंजाब सीएम श्री प्रताप सिंह कैरो, प्रताप सिंह कैरो। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बीच में बताना आपको भूल गई थी कि सच्चर फॉर्मूला था वो, इसका नाम सच्चर कैसे पड़ा। 1 अक्टूबर 1949 के समय पर पंजाब के जो सीएम थे श्री भीमसेन सच्चर जी, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। इन्हीं के नाम के आधार पर ये फॉर्मूले का नाम सच्चर फॉर्मूला पड़ा था। अब 1956-57 पर आ जाते हैं। तो पंजाब के सीएम थे जो हमारे प्रताप सिंह कैरो थे 1956-57 में। अब 56-57 से कुछ समय पहले सच्चर फार्मूला को लागू कर दिया गया था हरियाणा में। वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था मगर लागू कर दिया गया था। तो पंजाब के दो क्षेत्र बनाए गए थे, हिंदी भाषी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी क्षेत्र। तो जो हिंदी भाषा क्षेत्र था उसके अध्यक्ष थे, हिंदी भाषा क्षेत्र जिसके अध्यक्ष थे हमारे बलवंत तायल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा क्षेत्र जब सच्चर फॉर्मूला के हिसाब से राज्यों का बंटवारा किया गया, तो हिंदी भाषा क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे, बलवंत तायल। और पंजाबी भाषा क्षेत्र के अध्यक्ष थे तारा सिंह। कई जगहों पर तारा सिंह है, कई जगहों पर तारा चंद है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, तारा सिंह या तारा चंद एक ही है। तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था पंजाबी भाषा क्षेत्र का। लेकिन जो पंजाब सीएम तत्कालीन पंजाब सिंह प्रताप सिंह कैरो थे, उन्होंने इस फॉर्मूला को ज़्यादा सक्सेसफुल होने नहीं दिया, क्योंकि ये चाहते थे कंप्लीट पंजाब पे अपना राज करना, ना कि पंजाब को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उसके ऊपर राज करना। तो इनका मानना था कि पंजाब को पूरा एक हो और उसी के ऊपर मैं अपना राज करूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और सच्चर फॉर्मूला भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। इसकी डेट, इसका नाम और इसका किस आधार पर ये क्षेत्रों का बंटवारा करता था। एक 1948 की बात भी की जाती है बीच में,
1948 में सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने 1948 में एक पत्र लिखा था अपना। क्या क्या नाम था उसका पत्र का? अजीत, अजीत पत्र था। इस पत्र में इन्होंने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग की थी, पंजाबी सूबे का जिक्र किया था। पंजाबी सूबे का भी नहीं, एक्चुअली इन्होंने एक अलग सिख राज्य की डिमांड कर दी थी, एक सिख राज्य की डिमांड की इन्होंने 1948 में, जो कि लोगों को पसंद नहीं आई, इनका काफ़ी विरोध भी किया गया, इसलिए सक्सेसफुली ये कुछ ज़्यादा हो नहीं पाए। तो 1956-57 तक हम पढ़ चुके हैं कि पंजाब के सिंह प्रताप सिंह कैरों ने सच्चर फार्मूला को पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि एक पूरे पंजाब पर, एक बड़े से क्षेत्र पर अपना राज किया जाए। इसके बाद यही मुद्दा चलता रहा कि पंजाब को हरियाणा से अलग, हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए। तो इसके चलते लोगों ने कहीं, कभी किसी ने अनशन किया, कभी किसी ने अलग अलग तरह के आंदोलन किए। तो 23 सितंबर 1965, 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई सरदार हुकुम सिंह कमेटी, सरदार हुकुम सिंह कमेटी। सरदार हुकुम सिंह कमेटी ने पंजाब हरियाणा के गठन के लिए एक आयोग निर्धारित किया, जो कि 23 अप्रैल 1966 इन्होंने सिफारिश की, सरदार हुकुम सिंह कमेटी ने, कि एक आयोग बनाया जाए और वो आयोग पंजाब से हरियाणा को अलग करके एक नया राज्य बनाने में काम करेगा। तो 23 अप्रैल 1966 को सरदार हुकुम सिंह कमेटी के सिफारिशों पर एक आयोग बना, पंजाब सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग, इस आयोग में कुल 3 सदस्य शामिल थे, जिनको आप याद कर सकते हैं, शाह, दत्त और फिलिप करके। शाह हैं JC शाह, दत्त हैं S संजय दत्त करके भी आप याद रख सकते हैं, और MM फिलिप। ये 3 थे, जिसमें से JC शाह जो है वो इसके अध्यक्ष थे, JC शाह जो है वो जस्टिस थे। तो शाह कमेटी भी आपने सुना होगा। तो JC शाह, S दत्त और MM फिलिप, इन तीनों के अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष मेन जो हेड थे वो JC शाह थे। तो पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 31 मई 1966 को। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा कि अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 31 मई 1966 को, और आयोग का गठन कब हुआ था, 23 अप्रैल 1966 को पंजाब सीमा आयोग का। और हुकुम सिंह कमेटी कब बनी थी, 23 सितंबर 1965 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पंजाब सीमा आयोग किसकी सिफारिश पर बना, तो उसका आंसर होगा सरदार हुकुम सिंह कमेटी पर, कमेटी के सिफारिशों पर। साथ ही साथ आप इनकी डेट्स भी याद रखिएगा। तो जब रिपोर्ट पेश की पंजाब सीमा आयोग ने, तो उसी के आधार पर क्या हुआ, पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हो गया लोकसभा में। कब पारित हुआ पंजाब पुनर्गठन एक्ट लोकसभा में, 18 सितंबर 1966, 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पास हो गया। याद रखिएगा, 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पास हुआ है, गठन नहीं हुआ है। गठन जैसा आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, 1 नवंबर 1966 को हुआ। तो JC शाह कमेटी जो सीमा आयोग बनाई थी, सीमा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया, संविधान के 18वें संशोधन में। 18वें संशोधन में, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के कौन से संशोधन के हिसाब से हरियाणा का गठन हुआ, तो 18वें संशोधन के हिसाब से। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा जो है वो भारत के कौन से राज्य के, कौन से नंबर के राज्य के रूप में सामने आया, तो भारत में 17वें राज्य के रूप में
सामने आया 17वें राज्य के रूप में। 18वां संशोधन हुआ, 17वां राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 1966 को। और गठन के समय हरियाणा में क्या क्या था, कितने जिले थे, कितना उसका क्षेत्र था और पंजाब से कितना हिस्सा लिया गया, ये सब चीज़ें भी हम आपको बताते हैं। 1 नवंबर 1966 को जिस समय हरियाणा का गठन हुआ था उस समय पंजाब का 35.18% हिस्सा जो है पंजाब से काटकर हरियाणा बना दिया गया। और ये क्षेत्रफल था हरियाणा का उस समय इस प्रतिशत के हिसाब से 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और उस समय हरियाणा में जिले थे 7। इन जिलों के बारे में आप अपने डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। इन 7 जिलों में सबसे बड़ा जो था, सबसे बड़ा जिला हमारा था हिसार, और सबसे छोटा जिला हमारा था जींद। हरियाणा हिसार का उस समय क्षेत्रफल जो था वो 13,891 वर्ग किलोमीटर था। और वर्तमान में कितना है ये? वर्तमान में है ये 3,983 वर्ग किलोमीटर। और जींद का उस समय क्षेत्रफल 2,712 किलोमीटर स्क्वायर और वर्तमान में यह 2,702 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये था हमारा अभी तक का हरियाणा गठन को लेकर एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गठन के समय हरियाणा में जो 7 जिले थे वो, और तब से लेके अब तक हरियाणा में वर्तमान में हरियाणा के कितने जिले हैं और कब किस जिले का गठन हुआ, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अच्छी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी भाई और बहनों को राम राम।